सिंगल फेस मोटो वीडियो में आपका स्वागत है। भाग 9 है ये वाला। आज हम देखना है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और रिपल्शन इंडक्शन मोटर दोनों। ये एक सीरीज में है। पहले वीडियो था रिपल्शन मोटर का बेसिक वीडियो, वो 8 नंबर वीडियो था, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इधर आइए। ओके, तो हम देखेंगे बेसिक रिपल्शन मोटर के बारे में। एक और बता देंगे, ब्रश तो शॉर्टेड है उसमें, आपको याद होगा ब्रश शॉर्टेड है, और कम्यूटेटर सभी समय चालू वो ही है। तो हमारा रोटर तो वाउंड रोटर है और कम्यूटेटर में ब्रश है और ब्रश शॉर्टर भी है। ठीक है, आपको याद है। इसके लिए क्या होगा, सभी समय ये सर्क्यूट में वो ज़्यादा स्पार्किंग देता है, उसमें। ओके, हैवी स्पार्किंग विल बी द, वो ही उसका प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज। ओके, अभी सोचो ये स्टार्टिंग टाइम में टॉर्क ज़्यादा मिलने के लिए हम क्या किया, ये स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलने के लिए हम तो वाइंडिंग का रोटर बना दिया है। वाइंडिंग रोटर ये देता है आपको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन वो शॉर्ट किए तो भी आपको अच्छा रनिंग टॉर्क मिलेगा। ओके, तो रनिंग टाइम में अपना वाइंडिंग के कम्यूटेटर बार्स शॉर्ट किए तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी भी वो चालू होगा और अभी रनिंग टॉर्क भी अच्छा देंगे। तो क्या है, स्टार्टिंग टाइम में जैसा रिपल्शन मोटर ही चालू करेगा, लेकिन रनिंग टाइम में सोचो एक कम्यूटेटर शॉर्ट किया तो वो एक स्क्विरल केज रोटर जैसा रोटेट करेगा, अभी भी कोई टॉर्क कम नहीं होगा रनिंग टाइम में। स्टार्टिंग टॉर्क रिपल्शन मोटर जैसा ही देता है, उसके बाद क्या करता है, हम कम्यूटेटर शॉर्ट करता है। अभी रनिंग टॉर्क के बारे में, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलता है रिपल्शन मोटर में, और स्क्विरल केज रोटर है उसका टॉर्क अभी भी अच्छा मिलेगा। तो ये स्क्विरल केज मोटर से चालू करे और इंडक्शन मोटर बता सकता है। तो स्टार्टिंग में रिपल्शन मोटर है, रनिंग में इंडक्शन मोटर है। ओके, तो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर बता सकता है उसको। एडवांटेज क्या है ऐसे करने के लिए, एडवांटेज ये है उसका स्पार्किंग कम कर सकता है। ओके, यही उसका कॉन्सेप्ट हम ज्यादा बता देंगे अभी, कब शॉर्ट करना है। अभी रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, उसका नाम से आपको पहचान है, हम स्टार्ट करता है कैसे, रिपल्शन मोटर जैसा। रिपल्शन मोटर स्टार्ट करता है और 75% उसका रेट स्पीड आ गई है, तो 100 RPM है तो 75 RPM में स्पीड आ गई है, तो कोई मैकेनिज्म उसमें डालना है। वो मैकेनिज्म क्या करेगा, कम्यूटर सेगमेंट को शॉर्ट करेगा। कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट करेगा तो क्या हो गया, अभी ब्रश का आवश्यकता नहीं है, टोटली ये शॉर्टर हो गया, तो अभी वो काम करेंगे एक स्क्विरल केज रोटर जैसा। एडवांटेज है ये है, स्पार्किंग अभी आवश्यक नहीं होगा क्योंकि कम्यूटेटर ही शॉर्ट कर दिया है, तो ब्रश का आवश्यकता ही नहीं है क्या। सो इट इज रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट रनिंग, अभी रनिंग में स्पार्किंग बहुत कम होगा, उसके लिए कम होगा स्पार्क, और ब्रश का वियर एंड टायर भी कम होगा जब वो लिफ्ट कर सकता है, तो रनिंग टाइम में लिफ्ट कर। अभी देख लीजिए यही कंस्ट्रक्शन रिपल्शन मोटर का, आप देख सकता है एक कम्यूटर सेगमेंट है और एक तीन प्लेट आप देख सकता है, तीन प्लेट, ये प्लेट अभी कुछ लेफ्ट साइड पे है, वो कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट नहीं करता है। सोचो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है जो इधर देखता है, और ये एक शीट है, स्मॉल शीट जैसा, और अभी वो शॉर्ट नहीं कराता है। ये पिक्चर देखिए, अगला पिक्चर, अभी ये कुछ राइट साइड पे मूव किया है ये शीट और स्ट्रिप, अभी क्या करता है, ये पूरा कम्यूटेटर को शॉर्ट कर दिया, कम्यूटेटर अभी शॉर्ट कर दिया। तो पहले ये कम्यूटेटर का शॉर्टिंग नहीं था, अभी कम्यूटेटर शॉर्ट गया रनिंग टाइम में, तो यही उसका काम मैंने बताया। और अब देखेंगे, अभी हमने बता दिया स्टार्टिंग टाइम में रिपल्शन मोटर में काम करता है, लेकिन वो रनिंग टाइम में इंडक्शन मोटर जैसा काम करता है। तो उसका मोटर का एडवांटेज क्या है, उसको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पार्किंग का, और ब्रश लिफ्ट करता है तो उसका टीयर एंड वियर कम होगा। वो किधर यूज़ करता है, कंप्रेसर जैसा मोटर में, होस्ट में, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन जैसा चीज़ों में यूज़ करता है। आप देख सकता है ये मशीन टूल में ऐसा मोटर यूज़ करता है, और होस्ट में ऐसा मोटर यूज़ करता है, और फ्लोर क्लीनिंग मशीन में आप मोटर देखा होगा ऐसा। जिधर भी स्पार्किंग कम होना है और टॉर्क ज़्यादा चाहिए आपको,
रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यूज कर सकता है। ठीक, अभी रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज किया तो एडवांटेज क्या मिला आपको, स्पार्किंग कम हो गया, अच्छा रनिंग टॉर्क अभी भी मिलता है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक एडिशनल मैकेनिज्म चाहिए, ये पहले शॉर्ट नहीं किया है कम्यूटेटर को, बाद में शॉर्ट करना है तो मैकेनिज्म चाहिए। ये मैकेनिज्म कुछ साल के बाद खराबी हो सकता है तो उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा पड़ेगा। तो इसमें कुछ और भी अच्छा कर दिया है, इससे ज्यादा भी इम्प्रूव किया है, कैसे इम्प्रूव किया है, उसका नाम है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ओके, तो पहला रिपल्शन बेसिक मोटर के बारे में बताया, उसमें स्पार्किंग था वो कम कर दिया रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में एक मैकेनिज्म के साथ, अभी ये मैकेनिज्म भी रिमूव कर दिया रिपल्शन इंडक्शन मोटर में। तो ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है वो देखना है, वो उसका कंस्ट्रक्शन पहले बता देंगे। ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर जैसा ही उसका स्टेटर वाइंडिंग, जैसा हमारा नॉर्मल इंडक्शन मोटर है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन सालियंट पोल स्टेटर है उसमें। अभी डिफरेंस इधर में है उसका रोटर में, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट वाइंडिंग्स है रोटर में, कोई संबंध नहीं दोनों के साथ, दो वाइंडिंग्स है उसमें। क्या क्या वाइंडिंग है, ये पहला वाला आ गया स्क्विरल केज वाइंडिंग, ये नया नया है, अभी तक हमने देखा ही नहीं रिपल्शन मोटर में। ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर में एक स्क्विरल केज वाइंडिंग रहेगा और नॉर्मल कम्यूटेटर वाइंडिंग वाउंड रोटर बता सकता है, वाउंड रोटर जैसा आर्मेचर नॉर्मल डीसी मोटर का तरह वाइंडिंग होता है। ओके, तो रिपल्शन इंडक्शन मोटर का रोटर में आप एसी मोटर का स्क्विरल केज वाइंडिंग भी देखेगा और डीसी मोटर का तरह एक कम्यूटेटर के साथ साथ नॉर्मल वाइंडिंग भी देखेगा। ओके, एक ही मोटर में इसका रोटर में आपको एसी रोटर जैसा भी और डीसी रोटर जैसा भी एक ही देता है, पिक्चर देखेंगे अभी। और इसमें दोनों वाइंडिंग, ये स्क्विरल केज वाइंडिंग कब काम करता है और नॉर्मल वाइंडिंग काम कब काम करता है, वो जनरली वो पूरा समय कनेक्ट किया है, पूरा समय वो कनेक्ट करके ही रखा है। हम देखेंगे एक पिक्चर ऐसा रिपल्शन इंडक्शन मोटर का रोटर का, अभी देख सकता है ऊपर में स्लॉट रेगुलर वाइंडिंग्स का स्लॉट है। तो इधर आप क्या करेंगे, इधर तो वाइंडिंग डालेंगे, नॉर्मल वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स करके करके उसमें वाइंडिंग डालेंगे, उससे कम्यूटेटर सेगमेंट डालेंगे। ओके, कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश वगैरह इसमें होगा, तो वो नॉर्मल वाइंडिंग है। और नीचे में नीचे एक लेयर है, ये नीचे का लेयर है, ये स्क्विरल गेज वाइंडिंग बता सकता है। स्क्विरल गेज वाइंडिंग आपको जानता है स्क्विरल गेज वाइंडिंग क्या है, दोनों एंड में सर्कल से और रिंग से शॉर्ट से शॉर्ट किया है। एक ही मोटर में आपको दो वाइंडिंग देख सकता है, दोनों वाइंडिंग में कोई इलेक्ट्रिकल संबंध ही नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, अभी ये कैसे काम करता है बता देंगे। शुरू में कम्यूटेड वाइंडिंग ज्यादा ऑपरेट करेंगे, ये बताने के पहले आप ये मन में सोचिए ये उसका काम कैसे हो सकता है। देखिए, आप रीड करना नहीं, अभी जो मैं बताता हूँ वो सुन लीजिए। अभी आपके पास दो वाइंडिंग है, अभी देख सकता है आपका मोटर एक ट्रांसफार्मर जैसा काम करता है। कैसे ट्रांसफार्मर बन गया, वो सप्लाई जब देता है उसी समय मोटर अभी तक शुरू नहीं किया तो जीरो स्पीड है, तो इनपुट सप्लाई है, जीरो स्पीड आउटपुट है, तो वो ट्रांसफार्मर जैसा ही है। ओके, सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंडरी तो ये मोटर का रोटर होता है। ओके, सेकेंडरी तो रोटर है, सो सेकेंडरी में रोटर अभी शॉर्ट सर्क्यूटेड है, अभी दोनों वाइंडिंग भी है उसमें। क्या क्या वाइंडिंग है, एक तो नॉर्मल वाइंडिंग विथ कम्यूटेटर सेगमेंट और दूसरा वाइंडिंग स्क्विरल गेज वाइंडिंग। ओके, तो यह ट्रांसफार्मर जैसा होने के समय सेकेंडरी में कितना फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके, जब सप्लाई देता है इनपुट सप्लाई 230 वोल्ट, सोचो 50 हर्ट्ज रहता है, जब उसी समय ये रोटेट नहीं करता है तो उसका सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज आएगा, 50 हर्ट्ज का सप्लाई आएगा। ओके, तो ये 50 हर्ट्ज सप्लाई सेकेंडरी में है, सेकेंडरी में दो वाइंडिंग भी है, ये वाइंडिंग का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्क्विरल गेज वाइंडिंग है, नीचे का स्क्विरल गेज वाइंडिंग में ज्यादा रिएक्टेंस है, ज्यादा रिएक्टेंस है। समझिए, आपका दो वाइंडिंग है, क्या क्या है, वो दो वाइंडिंग ये वाला देख लिया, ये स्क्विरल गेज वाइंडिंग, ये स्क्विरल गेज वाइंडिंग में ज्यादा रिएक्टेंस है XL जैसा। ओके, और ये ऊपर का वाइंडिंग में क्या है, ऊपर का वाइंडिंग में ज्यादा रेसिस्टेंस है। ओके, स्टार्टिंग टाइम में पूरा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सोचो
इंडक्टिव रिएक्टेंस का इक्वेशन आप बता दीजिए, 2πfL, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 50 है, तो ज्यादा रिएक्टेंस बनेगा। सो ज्यादा रिएक्टेंस है तो क्या होगा, इधर ज्यादा इम्पिडेंस रहेगा, अंदर का वाइंडिंग में ज्यादा इम्पिडेंस रहेगा। क्यों इम्पिडेंस ज्यादा आ गया, रिएक्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस कम है तो भी अभी ज्यादा फुल फ्रीक्वेंसी उसमें आता है। अभी मोटर चालू और रोटेट नहीं करता है, इनपुट का फ्रीक्वेंसी ये सेकेंडरी में भी आ गया 50 हर्ट्ज, तो ज्यादा रिएक्टेंस है। ओके, ज्यादा रिएक्टेंस है तो ज्यादा इम्पिडेंस आएगा। तो दोनों वाइंडिंग अभी ये स्टार्टिंग टाइम कंपेयर किए तो बाहर का रेसिस्टेंस में इम्पिडेंस कम होगा, बाहर का रेसिस्टेंस में कम इम्पिडेंस होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस है तो भी। ओके, तो दोनों वाइंडिंग में शुरू में क्या है, आउटर वाइंडिंग में ज्यादा रेसिस्टेंस कम रिएक्टेंस, अंदर का वाइंडिंग में ज्यादा रिएक्टेंस और कम रेसिस्टेंस। अभी इसी समय में करंट किस में ज्यादा फ्लो होगा, इसमें ज्यादा आउटर साइड में ही ज्यादा फ्लो होना है, क्योंकि वो रिएक्टेंस बहुत कम है। अभी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो भी उसका रिएक्टेंस कम है, कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसके लिए आउटर साइड में ज्यादा करंट होता है। ओके, अभी इसका एडवांटेज क्या बनता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट आ गया तो उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा। है क्या, रेजिस्टेंस है तो पावर फैक्टर अच्छा है, रिएक्टेंस है तो पावर फैक्टर कम है, आपको जानता है। इसमें अभी ज्यादा पावर फैक्टर मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सर्क्यूट में ज्यादा करंट है, नीचे का रिएक्टेंस सर्क्यूट में कम करंट है। जब पावर फैक्टर ज्यादा है उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा। कैसा है, उसका पावर फैक्टर जब ज्यादा है उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, समझ लीजिए आप। तो अभी स्टार्टिंग में हमको बता सकता है उसमें ज्यादा टॉर्क है, यानी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। ओके, तो अभी स्विच ऑन करने के समय के बारे में बताया। अभी सोचो ये एक बार स्टार्ट किया, 50 हर्ट्ज आ गया, अभी वो शुरू कर देंगे मोटर रोटेट करने के लिए। अभी मोटर चालू हो गया, ये रोटर रोटेट करता है अभी। ओके, ये रोटेट रोटेट करने में अभी क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये होगा, ये रोटर का फ्रीक्वेंसी 50 था, अभी कम होता है, 4 हर्ट्ज जैसा कम होगा। ओके, तो 4 हर्ट्ज जैसा कम होगा, 4 या 2 उसके बीच में होगा जनरली फ्रीक्वेंसी। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल फेस मोटर और 3 फेस मोटर जब रोटेट करता है उसका रोटर का फ्रीक्वेंसी जब 0 स्पीड है तो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज होगा, और जब चालू होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, 2 या 5 के बीच में। ओके, तो अभी फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में बताना। फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये नीचे का वाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या था हमने बताया, रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस का इक्वेशन क्या 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 है, 2πfL। अभी 2πfL में F कम हो गया तो क्या होगा, रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा, और ऑलरेडी रेसिस्टेंस कम है, इसमें रेसिस्टेंस कम है, और आउटसाइड वाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या था, इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस अभी भी है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के बारे में बताया तो 50 हर्ट्ज यानी 5 हर्ट्ज दोनों में भी फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई डिफरेंस ही नहीं है रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस बराबर होगा फ्रीक्वेंसी जो भी हो, फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट नहीं है रेसिस्टेंस। मतलब यह है आउटर का रेसिस्टेंस अभी भी ज्यादा होगा और लेकिन अंदर वाइंडिंग का इम्पीडेंस कम हो गया, अंदर वाइंडिंग का इम्पिडेंस अभी कम हो गया क्योंकि अंदर वाइंडिंग का रिएक्टेंस बहुत कम हो गया, अंदर वाइंडिंग का रिएक्टेंस बहुत कम हो गया, उसके लिए रेसिस्टेंस अभी सभी समय कम ही है, तो अंदर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अभी भी कम है और उसका रिएक्टेंस अभी कम हो गया, उसके वजह से नीचे का कंडक्टर में ज्यादा करंट होगा। एक पाथ अच्छा मिलता है तो क्या होगा, ऊपर का रेसिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो होगा, करंट बहुत बहुत कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्यों उसमें करंट फ्लो होना है, नीचे का करंट कंडक्टर बहुत कम इम्पिडेंस है तो नीचे का लेयर का स्क्रल गेज रोटर का वाइंडिंग अभी कम इम्पिडेंस से ज्यादा करंट उसमें ही फ्लो होगा और ऊपर का वाइंडिंग में करंट बहुत कम होगा और नहीं होगा। ओके, तो अभी क्या बन गया, रनिंग टाइम में आपका रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं तो उसमें I2R लॉस और पावर लॉस होता ही नहीं। रनिंग टाइम में भी आपका ऊपर का वाइंडिंग सर्क्यूट में है तो भी उससे करंट कम है, तो फायदा क्या है, हमको कोई करंट है तो कोई पावर लॉस नहीं रहेगा, तो रनिंग टाइम में ये कोई पावर लॉस नहीं देता है, साथ साथ नीचे का वाइंडिंग में आप ज्यादा करंट मिलता है तो भी उसको ज्यादा रनिंग टॉर्क मिलेगा। तो ये रहा 2 वाइंडिंग देने के लिए आवश्यकता, यही बाद में ये डिफरेंट बताया था।
नीचे का स्क्विरल केज वाइंडिंग में ज्यादा रिएक्टेंस है, रोटर जब ज्यादा रोटेट करता है स्क्विरल केज वाइंडिंग में ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओके, और ऊपर का वाइंडिंग में ब्रश अभी भी है, वो चेंज करता ही नहीं, क्योंकि सेम वाइंडिंग है, ऊपर का वाउंड रोटर अभी भी है, वो ब्रश भी है, शॉर्ट सर्क्यूटर भी है, लेकिन उसमें करंट कम है, तो वो आपको कोई चेंज करना नहीं, ऑटोमेटिकली करंट कम होता है। तो अभी एडवांटेज क्या है, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए, ये कम्यूटेटर शॉर्ट करने के लिए मैकेनिज्म नहीं चाहिए, अभी इतना ज़्यादा करंट कम्यूटेटर से नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या है, स्पार्किंग कम हो गया। ओके, तो स्पार्किंग कम हो गया, आपको कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए, और स्टार्टिंग का टॉर्क अभी भी अच्छा है, स्टार्टिंग टॉर्क भी अभी अच्छा है, स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा है, और उसके साथ साथ पावर फैक्टर भी, स्टार्टिंग में भी अच्छा पावर फैक्टर है, रनिंग में भी अच्छा पावर फैक्टर है, और स्पीड रेगुलेशन भी बता सकता है। क्या है स्पीड रेगुलेशन, कोई लोड नहीं है तो भी, स्पीड दे तो भी, उसका स्पीड का वेरिएशन बहुत कम होगा, तो अच्छा स्पीड रेगुलेशन भी ये रिपल्शन इंडक्शन मोटर में मिलता है। तो हमने डिस्कस किया तीन तरह का रिपल्शन मोटर के बारे में, पहले वीडियो था 8 नंबर में रिपल्शन इंडक्शन रिपल्शन मोटर बेसिक टाइप, और दूसरा था इम्प्रूव्ड वर्जन रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, उसमें स्पार्किंग कम हो गया था, लेकिन उसमें क्या हो गया था, उसमें एक सेपरेट मैकेनिज्म चाहिए था। अभी तीसरा चीज ये है रिपल्शन इंडक्शन मोटर, उसका मेजिक डिफरेंस क्या था, रोटर में दो वाइंडिंग से, उसके मदद से कोई मैकेनिज्म बिना, हम अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क लेता है और अच्छा पावर फैक्टर लेता है और स्पीड रिलेशन भी देता है, उसका नाम है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ये रहा तीन टाइप्स और थ्री तरह का रिपल्शन मोटर।